हाँ, बालानंद ब्रह्मचारी जो है यहाँ 44 साल ध्यान किया था। वो बाघ के साथ में बाघ का गुफा पर गुफा मिलेगा आपको। उसका माथा वह रखा हुआ सुशम बांध रखा गया है। बाबा 44 साल ध्यान जो किया यहाँ वो साक्षात शंकर दर्शन पाया था देवघर में। और देवघर में हूँ तो घूमना तो बनता है, तो पता चला है मेरे को 4-5 घूमने को है। तो सबसे पहले तपोवन और त्रिकुट जो कि एक ही रास्ता में। सबसे पहले मैं आ गया तपोवन पहाड़ी, तो पहाड़ी का आनंद लिया जाए पहले, उसके बाद कहीं और का। यहाँ पर जब मैं आया तो लगता है कि सबसे पहला कैंडिडेट मैं ही हूँ। तपोवन पहाड़ की कुछ कहावतें हैं जो कि हमें यहाँ के लोकल से पूछने पर पता चलेगा। चलिए कुछ कुछ इन लोकल से। रावण कैसा क्लास ठीक तो जो क्लास में सबसे ज्यादा किया जो शिवलिंग बाबा धाम में जहाँ पूजा जहाँ दी आप वो बाबा को ले जाने जा रहा था बाबा को ले बाबा वहीं पे छोड़ दिया। वो एक बूढ़ा ब्राह्मण भैंस धके वहाँ एक ब्राह्मण बूढ़ा बिठा वहाँ रावण को अलग शंकर लग गया। इसका बोलता है हरला जोड़े वो पेशाब जैसे करने गया थोड़ा देर बाबा तो आप रखिए शिवलिंग को हम सब पे आते हैं। वो लोग शंका उसको खत्म नहीं होना लगा बूढ़ा बाबा को दे दिया। वो बूढ़ा बाबा क्या क्या जमीन पर रख दिया उसको आने में लेट कर दिया ब्राह्मण उसको जमीन पर रख दिया जमीन पर वहाँ वो छोड़ दिया शिवलिंग को। रावण आया क्रोध से वो फिर उसको उठाने का किया वो उठा के लंका उसको ले जाएंगे हम तो वो वहाँ जमीन से उठा नहीं हो उसको वहीं पे छोड़ दिया जमीन पर। वो ये उठा जिसे दबाया है कि मैंने कभी देखिए बाबा देखिएगा अभी कुछ दूर तक मैंने वो जमीन के अंदर घुस गया है बूढ़ा ये अंगूठी से उसे लगा नशा में लगाया उसको मैंने बोला पटा नहीं तो मैंने उसको यहाँ से वहाँ भेज देना वो देखिए वहीं पर छोड़ दिया वो तपस्या उसका भंग हो गया यहाँ पे वो फिर यहाँ से लंका आपस चला गया यहाँ से निराश होकर वो फिर दूसरी आधा तपस्या यहाँ आके यहाँ का किया था वो कि फिर चेष्टा किया फिर इसको हम उठा के यहाँ से ले जाएंगे ठीक तो यहाँ से वो रावण चेष्टा किया जब उसको बोला कि यहाँ उठा के ले जाएंगे हम फिर से कि हम उठा के लेंगे फिर वहाँ जितना राज है राजों का यहाँ राज हो जाएगा उनको हम लोग पूजा करेंगे शिवलिंग जिसका देखो शिवलिंग देखो भगवान को महादेव जो है उसको लेगा वहाँ हम लोग जो है राज में जो है राक्षस जो हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ से तपस्या करने जब आया दूसरा बार यहाँ आया तपस्या जिसे यहाँ करने लगा वो तो माँ सीता हनुमान जी का पठाया सब देवता मिल के कि जाओ हनुमान कि रावण एक दूसरा बार तपस्या करने के लिए पहाड़ में आया है वही शिव की तपस्या कर रहा है उस तपस्या को उसको भंग करिया
हनुमान जी अंतर्जामी है, शक्ति का पास भुजा में है। मास्टर बोला जाओ ठीक है, आप जो हनुमान जी बोला कि ठीक है उससे हम भंग कर देते हैं। तो उससे उसको भंग कर दिया कि आप अंतर्जामी है। तब राम तो जो भंग किया आपका प्रमाण क्या है, जिससे कलेजा चिर के दिखाता है दिया में कि हम राम का भक्त हूँ। उस तरह की कहानी देखिए पहाड़ में, यहाँ एक छोटी कहानी उंगली से निशान दाग लगाया, पांच बार पहाड़ में चला के दोनों पहाड़ फाड़ के निकले हैं और दोनों अंदर मूर्ति दो मूर्ति हनुमान जी का है। इतना सारी कष्ट का आदमी जो जाता है इधर से पहाड़ रास्ते में गुफा अंदर जाता है कष्ट करके, उसको देखने के लिए आदमी कितने दूर दूर से आते हैं, निकले आते हैं। वो रास्ते में किसी का कष्ट होता है नहीं, किसी को कुछ हुआ नहीं है, नहीं कुछ होता है। वहाँ एक नमस्त मंदिर वही हनुमान जी का, यहाँ जो मानसिक अर्थ है अवश्य उसका पूर्ण होता है। वहाँ सिर्फ वही श्री राम नाम बोल के पांच बार 105 पड़ता है अपना वो नष्ट के लिए नहीं, अपना भलाई के लिए। यहाँ पर 44 तपस्या किया, पहले यहाँ पर जंगा धार कर गया, यहाँ वो बाघ रहता था सिर्फ वो भी गुजर के मुंडी रखा हुआ, मास्टर यहाँ पर रखा हुआ। वो पहले बहुत जमाने का ब्रिटिश ईरान का बात है, और ये जो मंदिर है ये मतलब इसी का मंदिर है, इसी गुफा में बैठकर तपस्या बाबा किया था। वो 44 ध्यान किया और शंकर भगवान साक्षात दर्शन पाया था। और बाका साथ तपस्या किया, बाका गुफा के अंदर उसका माथा रखा हुआ है। मेन मतलब मेन मंदिर यही है ना? नहीं, मंदिर से हनुमान जी का मंदिर वहाँ है। यहाँ जाते देखिए यही बाबा रखिए, वो जो है वो नंगा वो आना होगा ऐसे बहुत अंदर जाइए, चलिए अंदर जाइए, प्रणाम करिए। वहाँ से वहाँ गुफा से अंदर जाइए, पहुंचा के इनको शंकर जी साक्षात दर्शन दिए बाघ के साथ। बाघ भर गया तो खोपड़ा ऊपर में आदरा ने रखा हुआ है, आज बाबा खाना व्यवहार करते थे उसको धातु से बांध दिया गया, जीव चल का खाना छू के प्रणाम कीजिए। ये मतलब ये बाबा थे किया था ना, तो ये बाबा तपस्या किया था, ये बाबा तपस्या किया था। और ये बाबा कौन है? प्रथम शिष्य श्री श्री महानंद ब्रह्मचारी महाराज। ये आपका कौन सा गुफा है? प्रणाम कीजिए। ये गुफा में आपका क्या हुआ था, मतलब इसी में तपस्या किए थे? बाबा यही 44 साल तपस्या किए हैं, शंकर भगवान दर्शन दिए बाबा को, शंकर जी यहीं पर ये भी गुफा है। अभी दो शिला के अंदर बड़का पत्थर है, बड़ा पत्थर बड़ा चट्टान है, उसका पत्थर फट गया है, उसका अंदर दो मूर्ति है बीच में, हाँ। दोनों पत्थर का अंदर में ऊपर में नीचे में दो मूर्ति है, यही बोलते हैं बाबा जो श्रद्धा देता सर यहीं पे देता है। हाँ। मतलब एक बार नीचे आप दान कीजिए और डायरेक्ट ऊपर कीजिए है ना, मतलब श्रद्धा के नाम पे।
ये तपोवन का मुख्य मंदिर है ना, तपोवन का मुख्य मंदिर है हनुमान जी का है। आपको ये भी आपको गुफा ही की तरफ ले जा रहा है, चलिए गुफा की ओर चलते। उधर से घुसना पड़ा। मंदिर कौन है ये? आपको अपना नाम से इसको झंडा में बांधिएगा सर, जो अपना मन्नत कीजिएगा वहीं पर सिंदूर लड्डू छुआ के इसको ले जाना। ये आपका मेन मंदिर है, यहाँ पर आपको ये लड्डू का भोग चढ़ाना होता है और इसे आपको बांध के आपको मन्नत मांगना होता है। तो चलिए शनिवार बाद बाकी सब इसका मेला लगता है 15-16 जनवरी। 15-16 जनवरी लगता है, धाजा जितना है सब फेंका जाएगा, उसके बाद सबका नाम से धाजा चढ़ता है यहाँ अपना हाथ से नाम और गोत्र। आप अगर दीजिएगा तब चढ़ेगा चैत्र में। अच्छा, अभी मतलब जितना चढ़ावा अभी चढ़ता है और और दीजिएगा ना सर, अभी जो दीजिएगा आपको संगम यहाँ पूजा हो जाएगा, झंडा लेगा चैत्र में पूजा होगा आपके लिए। 151 कीजिएगा हनुमान जी का आपका लिप हो जाएगा, छोटा झंडा भी ले जाएगा आपका नाम से। अपना हाथ से लिख दीजिए, सबको देते हैं। उतरने के लिए यही रास्ता है ना? देखिए सर, यहाँ पर सर लड़के उतरना, एक पेड़ सर यहाँ रखना पत्थर पर, ऐसे ऐसे सुझाव के निकलना पड़ेगा, सुझाव के ऐसे ऐसे सुझाव के निकलना सर। मोटा से मोटा 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल 10 क्विंटल आता है, उसमें से निकलता है इसका मेहमान है हनुमान जी की कृपा, हम लोग नहीं बताते सब हनुमान जी की कृपा सर। तो जैसे कि आप मंदिर का दर्शन करने के बाद आपको यहीं से मतलब यही गली से उतरना होता है, और जो कि इसी गली यही यहाँ का महत्व है। तो मोटा आदमी पार भी नहीं हो पाएगा सब होता, मोटा भी हो जाता है। आपको बताता हूँ, अभी एक गली दिखाएंगे आपको, छोटा बचा के ऐसे होकर निकलता है, मोटा आदमी होकर निकलता है, लेकिन ये हनुमान जी कृपा है, मेहमा का है, आसर आसर किसी कुछ हुआ नहीं है, मतलब आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटा है ना इस समय। मतलब ये गुफा के निकलने के बाद ये गुफा आपको जाना पड़ता है ना? अरे बाबू क्या बोले, सर ये गुफा हुआ था, ये गुफा हुआ रावण का गुफा। ये कौन सा गुफा? रावण छिपा के तब जाता था इस गुफा में बैठ के, तो हनुमान जी उसको पता लगाया, हनुमान जी उसको तब से भंग किया था, तपस्या किया था है ना, तपस्या और शिवलिंग ने बोले निकले है ना रावण हनुमान जी का गदा से पत्थर को तोड़ भंग करने लगा, उसका गदा से अर्जुन से मतलब उसका जो है उसका तपस्या भंग हो गया, यहाँ से फिर निराश होकर तपस्या फिर का नहीं हुआ, निराश होकर चला गया लंका, फिर वापस हो गया, शिवलिंग को नहीं ले पाया, उस शिवलिंग को यही पे रख दिया बाबा जान देखे बेना धाम में, शिवलिंग को वही रख दिया जमीन पे। जो भी सब हम लोग आने जाके पूजा, ये पतला वाला रास्ता से आना है, इधर से आना है, और यहाँ से आपको मतलब जाना है ना, ये लास्ट है सर, मतलब ये रास्ता आपका लास्ट है ना, और इसका कहावत क्या है, मतलब ये रास्ता पापुन का गली है सर, पापुन का गली है, मोटा से मोटा जाता सर जी, पतला से पतला यहाँ करवटों को निकालना पड़ता है, अगर 3 क्विंटल का है 2.5 क्विंटल का है 2 क्विंटल का आदमी होता है सर यहाँ निकलता है, उसका कृपा से महिमा से मतलब कृपा से, हम लोग कृपा से नहीं उसको हम निकास नहीं कर सकते हैं,
आपका पीछे जितना महिला देख रहा आदमी जितना देख रहा आदमी से पीछे आदमी का आ रहा है हाँ। वो लोग जितना व्यक्ति सब यही सोचेगा मोटा पतला कोई मतलब मोटा पतला कोई अटकता नहीं है ना। चलिए सब ऐसा ही निकलेगा ना। लक्ष्मी जी का मंदिर प्रणाम करिए सर आप चले आए ना गाँव है ना। मतलब हम लोग चढ़े थे आपका इधर से हम लोग चढ़े थे और उधर से उतर रहे मतलब पूरा पूरी एक पहाड़ का एक परिक्रमा हुआ है ना। तो यही जो लास्ट है ना मतलब यहाँ से आके आपके यहाँ हम लोग चले थे यहाँ के समाप्त हो गए। जो हम लोग को घुमाए आपका नाम बता अशोक सेवा ठीक है तो नहीं आते नेपाल भूटान से भी काफी लोग आते हैं पर जैसे अभी तो सीजन नहीं था तो आपको ज्यादातर लोकल ही दिखे स्कूल कॉलेज यही सबसे ज्यादा आते हुए दिखे मेरे को। तो आप यहाँ जो लोकल आदमी जो गाइड के रूप में रहते हैं उसे पकड़ लीजिए आपको सहूलियत होगा नहीं तो अकेले यहाँ पर क्या है आपको एक बार समझ में नहीं आएगा क्या चीज है क्या नहीं है।